कोर्ट को इज्जत अमल से देनी है, अल्फाज से नहीं। उम्मीद है पार्लियामेंट के फोरम से यकजहती की आवाज उठेगी। जमहूरी अमल से ही कानून में तरामीम को मंजूर किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया टॉक, कहा मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सियासी जमातों को कौमी मफादात मुकदम रखते हुए सियासी दर्जा हरारत कम करना होगा। इस पार्लियामेंट से अवाम के हकूक की जमानत मिलती है और ये पार्लियामेंट जो है अवाम के मफादात और उनकी बुनियादी जरूरियात को यकीनी बनाने के लिए एक ऐसा फोरम है और एक जमहूरी प्रोसेस का आगाज हुआ है और जमहूरी प्रोसेस से ही इंशाल्लाह इन अमेंडमेंट्स को मंजूर किया जाएगा। देखिए, वोट को इज्जत जो है वो हमने अपने अमल से देनी है, अल्फाज से नहीं। और मैं समझती हूँ कि मौजूदा हालात में हमें सियासी टेम्परेचर जो है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि ये हमारी जो बॉक्सिंग है सियासी अखाड़े में एक दूसरे के ऊपर सियासी महाज पे वो जारी रहेगी, क्योंकि ये एक सियासी अमल का हिस्सा है।